आप देख रहे हैं एक मोर, एक मोरनी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, नेशनल बर्ड पिकॉक और पीहन, मोर मोरनी दोनों अपना अपना दाना खा रहे हैं। और शायद मोर इससे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा है मोरनी से, लेकिन मोरनी अपना खाना खाने में यानी कि दाना खाने में मस्त हो रही है, मग्न हो रही है। मोर थोड़ी थोड़ी देर में उसकी तरफ देख जरूर लेता है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ये देखिए वो रुक जाता है दाना खाते खाते, लेकिन मोरनी कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है दाना खा के यहाँ से निकलने के लिए। शाम का समय हो चुका है। अगर ये मोरनी इसके फेवर की नहीं होती तो ये मोर इसको यहाँ दाना नहीं खाने देता, क्योंकि ये टेरेस इस मोर की है। इस मोर पे हमें, मोर को हमेशा यहीं देखेंगे आप, दूसरी किसी मोर मोरनी को ये आसानी से यहाँ दाना नहीं खाने देता है। तो अभी तो ये इसी कोशिश में है कि दोस्ती का हाथ बढ़ जाए, नए साल में नया दोस्त बन जाए, लेकिन दाना खाना भी उतना ही ज़रूरी है। सनसेट हो चुका है और शाम के समय बर्ड्स की आवाज़ आने लगती है धीरे धीरे। ये देखिए शायद इनमें कुछ दोस्ती हो ऐसा लग रहा है, कुछ ही पलों में ये मालूम हो जाएगा कि ये मोरनी जो पीहन है ये इंटरेस्टेड है या नहीं है दोस्ती के लिए। ये तो दाना खा के इधर आ गए हैं, लेकिन एक पीहन, एक मोरनी और मुझे नज़र आ रही है, जो ऑरेंज फूलों की जो बेल है फ्लेम वाइन, वहाँ आके बैठ गई है। ये तो वो है जो रोज़ के हमारे आने वाले हैं, ये छोटा सा बच्चा और इसकी माँ। माँ अभी यहाँ बैठी है, अभी आने वाली है वो भी इसके पीछे पीछे। ये देखिए ये यहाँ उतर के आ गई है, इनके लिए यहाँ पर दाना। और ये देखिए जैसे गाय भैंस चारा खाती है ना, ऐसे इनके लिए चारा रखना पड़ता है। ये पालक, मेथी, बथुआ, मूली, धनिया, इनके सबके जो डंठल होते हैं वो बड़े चाव से खाते हैं। देखिए बच्चा भी खा रहा है, बच्चा शुरू में नहीं खाता था लेकिन इसको भी ये सिखा दिया है माँ ने। उसी की चोंच में से छीन लेता है, उसके मुँह में से छीन लेता है ये दाना, और ये अपना दाना खाने में यहाँ मस्त है। क्योंकि ये आउटसाइडर है ये वाली मोरनी, तो ये यहाँ से जाएगी तब ये बच्चे और ये यहाँ दाना खाएंगे, जब तक हरी सब्जी खाने में मग्न हो रहे हैं ये। हरी सब्जियाँ इंसानों के लिए ज़रूरी है, उतना ही पशु पक्षियों के लिए भी हरी सब्जियाँ ज़रूरी हैं। तो आप देखिए कितने चाव से ये जो है हरी सब्जियों का आनंद ले रहे हैं। अब मुझे इस वाली मोरनी को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब ये यहाँ से दाना खाएंगे माँ बेटे, क्योंकि माँ बेटे जो हैं
ये तो मेरे दोस्त हैं, ये देखिए वो तो चल दी और ये इधर दाना खाने आ गई। ये हमारे रोज़ की कहानी है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उस बच्चे का दाना खाना ज़रूरी है। वो देखिए वो चली गई और ये भाई साहब देखिए यहाँ आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये आराम से यहाँ दाना खा रही है, अब ये यहाँ भी आएगी। हाँ क्या हुआ, चलो खाओ। मोर पंखी के साए में मोर और उसका बच्चा दाना खा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। साइड से दिखाऊं बच्चे को, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ पास में, तब तो आप आसानी से देख सकेंगे। ये देखिए दिन में तो पक्षी बहुत आते हैं यहाँ टेरेस पर मेरे। और दाना खा के फिर चले जाते हैं। शाम का जो समय होता है सनसेट के बाद का, वो इन पिकॉक्स का मूवमेंट बहुत अधिक रहता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य। ये है, आप इनको प्यार करेंगे तो ये आपको प्यार देंगे, ये नेचर का कायदा है। चलिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सेव नेचर सेव बर्ड, मिलते हैं फिर आपसे। आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन इतना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिला। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।